देखिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में तो पूरा खिलवाड़ हुआ। आपने देखा होगा कि पीएससी में जो रिजल्ट आए हैं, तो पीएससी में किस तरीके से धांधली हुई है कि एक ही परिवार के चार चार लोग हो रहे हैं और जो वहाँ का अध्यक्ष है उसके यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और जब लिस्ट निकल रही है तो उसमें नाम के साथ में सरनेम नहीं है। तो इतनी बड़ी आप देखिए धांधली कि क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा है, सब चीजों को खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे बड़ा युवाओं के साथ ही तो खिलवाड़। हम यहाँ पर पिछले 5 साल में झेले हैं कांग्रेस के शासन को, कुशासन को, और भ्रष्टाचार में लगातार यहीं से एक इतिहास लिखा गया है। जो आईएएस जितने अभी जेल में हैं, अंदर गए हैं, और ऐसे ऐसे कांड किया इन लोगों ने कि जिसमें इतिहास लिखा गया है किस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार की एक प्रकाशिका की। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस लिया है, इस बार सरकार को बदलना है। हमको इसलिए बदलना है क्योंकि ये वाकई में पूरा नशे का गढ़ बन गया है, और ऐसा गढ़ हमने शायद पहली बार। नशेड़ी आज लोग छत्तीसगढ़ के नशेड़ी कहा जाता है लोगों को। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या लगता है? कारण ये है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ नशे का व्यापार हो रहा है, सट्टे का व्यापार हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ये सब बहुत नुकसान है। हम लोग 15 साल में जो रमन सिंह ने जो विकास किया, वो विकास ऐसा किया कि आज जब पब्लिक ने चेंज किया है तो अभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही पब्लिक। वो सोच रही थी कि अगर रमन सिंह रहता था रायपुर कहीं का और कहीं और रहता। तो प्रचार में तो दिखता है कि सरकार बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रही है। कुछ काम नहीं कर रही सरकार। आज अभी बताया ना, मेरे भाई ने भी बताया कि यहाँ पे सिर्फ धान का कटोरा जो था, अभी सिर्फ सट्टे का कारोबार चल रहा है यहाँ पे। महादेव यहाँ पे आज पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। यहाँ के लोग को बेरोजगारी होते तो सट्टे के धंधे में चालू कर दे रहे हैं, नशे के गर्त में लेके जा रहे हैं, काम को बेरोजगार को दे रहे हैं। अभी जितने भी आईपीएस के आईएएस की जो पेपर हुए उसमें पूरे अधिकारियों के रिश्तेदारों के सिलेक्शन हुए हैं। कि जो अभी राजनीति जो कर रही है सिर्फ करप्शन और यही सारी चीजें, अफसरशाही सब विलुप्त हो चुकी है और सिर्फ शासन, ये लोग राजनीति अपने हिसाब से कर रहे हैं और टोटली करप्शन। समुदाय के अंदर एक उल्लास है, वो बढ़ चढ़कर इस इन चुनाव में भाजपा को वोट देंगे, मेरा ऐसा यकीन। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत सरकार में जो वो स्कीम्स ला रहे हैं अल्पसंख्यक के लिए, उन्होंने जो अच्छी अच्छी स्कीम्स लाई, मुझे अफसोस है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लॉन्च नहीं किया। अगर वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च करते तो इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय और इस प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय उन स्कीम में बराबर का भागीदारी होता। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। यह रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, जो ताजा चुनाव की अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब यहां उम्मीदवार नामांकन भी भर चुके हैं, पहले चरण वाले और दूसरे चरण के लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। इन सब में पार्टी और कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से अपनी सरकार, अपनी पार्टी की सरकार बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। रायपुर में नूरानी चौक में ऐसे ही एक कवायद करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग दिखे, जो इस बात की साफ गवाही दे रहे हैं कि भारत बदल रहा है, भारत के कार्यकर्ताओं के बदौलत पार्टी विचारधारा और उसके मकसद को जमीन पर चुनावी अंदाज में पहुंचाने के लिए यह कार्यकर्ता अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर इकबाल गोरी, जो कहीं ना कहीं मोदी जी, शाह जी और भारतीय जनता पार्टी की अपनी टीम को कमल के निशान और भाजपा को मजबूत करते हुए दिख रहे हैं रायपुर में। तो कैसा लग रहा है जमीन पर उतरकर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं दिल्ली से रायपुर? मेरा नाम डॉक्टर इकबाल है, मैं राष्ट्रीय सह प्रभारी हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद का, और छत्तीसगढ़ का प्रभार भी मुझे दिया हुआ है। मैं पिछले 3-4 महीने से लगातार छत्तीसगढ़ मेरा आना हो रहा है, जिसमें विभिन्न जगहों पे रायपुर हो गया, राजनांदगांव हो गया, दुर्ग हो गया, मेरा आना जाना रहा। और आप यकीन मानिए कि जो एक डॉक्टर रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में एक जो विकास के काम करे थे, जो पिछले 5 साल में मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उन पे ब्रेक लगा हुआ है, जो एक तेज स्पीड से विकास चल रहा था वो विकास जो है धीमा हो गया है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
जो भारत सरकार में जो वो स्कीम्स ला रहे हैं अल्पसंख्यक के लिए, उन्होंने जो अच्छी अच्छी स्कीम्स लाई, मुझे अफसोस है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन स्कीम्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लॉन्च नहीं किया। अगर वो प्रॉपर तरीके से लॉन्च करते तो इस देश का अल्पसंख्यक समुदाय और इस प्रदेश का अल्पसंख्यक समुदाय उन स्कीम में बराबर का भागीदारी होता। तो ऐसा क्या लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं की उन स्कीमों की जानकारी है? क्या आपका मोर्चा अल्पसंख्यक संगठन पूरी तरीके से अपने हर एक कार्यकर्ता को फायदे और नफे मुनाफे वाली जो अपनी स्कीम है जो प्रधानमंत्री केंद्र से बांट रहे हैं उसकी जानकारी आप लोग दे चुके हैं? जब आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले एक बात कही थी कि मैं इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में, मदरसों के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कलाम पाक देखना चाहता हूँ और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने इतनी अच्छी बात कही थी कि आप अपनी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन भी लें, इंग्लिश की भी नॉलेज करें और जो देश की मेन स्ट्रीम है उसमें बच्चे जो है आगे बढ़े, अल्पसंख्यक समुदाय भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो अब जब आप जमीन पर हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हैं, तो कैसा लग रहा है? कितने तैयार हैं यहाँ के अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग घर घर इस बात को पहुंचाने के लिए और सरकार बदलने के लिए? हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब भी पिछले महीने मेरे साथ यहाँ पर आए थे और हमने दो बड़े प्रोग्राम करे थे, उसमें बढ़ चढ़ कर हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया था। प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, शकील अहमद साहब, परवारी जो हमारे हैं डॉक्टर सलीम राज जी, और उन सब ने बड़ी बढ़ चढ़ कर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके लिए भारत सरकार की जो स्कीम्स हैं उनको बताने का काम किया, उनसे उनको जोड़ने का काम किया और अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर एक उल्लास है, वो बढ़ चढ़ कर इन चुनाव में भाजपा को वोट देंगे, मेरा ऐसा यकीन है। चलिए, ये अच्छी बात है। अब देखना ये है कि यह उल्लास वाकई कार्यकर्ताओं में कितना है, कार्यकर्ता कितना तैयार है, इस बात की जानकारी तो छत्तीसगढ़ के लोग देंगे जो जमीन पर उतर कर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा सबसे पहले। मैं जिशान सिद्दीकी, रायपुर से जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से, और प्रॉपर हम लोग रायपुर के रहने वाले लोकल। तो क्या लग रहा है रायपुर में अल्पसंख्यक मोर्चा जी, आप जैसे कार्यकर्ता किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं असल में युवाओं की लड़ाई है। युवा जो यहाँ पे कांग्रेस शासन में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, करप्शन चल रहा है, और जो हमारे छत्तीसगढ़ को जो धान का कटोरा कहा जाता था, आज इसको एक सट्टे का राज्य कहा जा रहा है, महादेव सट्टा और बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही है, करप्टेड चीजें चल रही है। तो ये लड़ाई जो है ये युवाओं की लड़ाई है और जो बेरोजगार है बेरोजगारी की लड़ाई है, और ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, और जो बहुत सारी जो केंद्र से योजनाएं चल रही है उनको जो यहाँ पे रोका गया है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, उसको हम घर घर तक और बूथ स्तर तक और हर मोहल्ले तक हर वार्ड तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं और वो काम हम लोग शुरुआत से चालू रखे हुए हैं। तो क्या लगता है जब आप हर घर जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं जी, तो जो मौजूदा सरकार है 5 साल उसके किए गए काम, केंद्र सरकार के काम और पिछले 15 साल जब आपकी सरकार थी तब के काम, कितना फर्क दिख रहा है? लोग कितने गर्मजोशी से आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं? लोगों के अंदर उत्साह है, इस बार लोग चाहते हैं बदलाव हो, क्योंकि इस बार बदलाव देख लिए, एक बार इन्होंने कांग्रेस को चुना, अब दूसरी बार अब ये जो मौका धरातल में जो ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों के प्रति विश्वास जो अभी मिल रहा है, जो योजनाएं रुकी हुई है आवास योजना और दुनिया और भी बहुत सारी योजना जिनका जो पहले फायदा मिलता था लोगों को जो रुक गया है, तो लोगों को वो चीजें पता चल गई है कि केंद्र से जो योजनाएं आ रही थी वो सारी चीजें रुक गई है। कांग्रेस की जो अभी राजनीति जो कर रही है सिर्फ करप्शन और यही सारी चीजें, अफसरशाही सब विलुप्त हो चुकी है और सिर्फ शासन, ये लोग राजनीति अपने हिसाब से कर रहे हैं और टोटली करप्शन चल रहा है। मतलब अगर आपकी बात माने तो इस समय जी छत्तीसगढ़ में सिर्फ करप्शन चल रहा है, टोटल करप्शन चल रहा है, सट्टे के नाम से जाना जा रहा है हमारे राज्य को। ये हमारी एक वो लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे राज्य को कोई सट्टे का राज्य कहे। चलिए, ये बड़ी बात है, ये शायद आम आदमी की पीड़ा है जो यह बोलना चाह रहा है कि आखिर सट्टे में बदलते हुए इस पूरे के पूरे राज्य का खेल क्या है। तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले तो परिचय दीजिए और क्या महसूस करते हैं आप कि आखिर
छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है? मेरा नाम फैजल खान है, मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला कोषा अध्यक्ष हूँ और सूफी समाज का प्रदेश सह प्रभारी हूँ। हमारे यहाँ पे ये है कि पहले जो छत्तीसगढ़ में 15 साल में जो रमन सिंह ने जो विकास किया, वो विकास ऐसा किया कि आज जब पब्लिक ने चेंज किया है तो अभी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करी पब्लिक। वो सोच रही थी अगर रमन सिंह रहता था रायपुर कहीं का और कहीं और रहता। तो प्रचार में तो दिखता है कि सरकार बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर रही है। कुछ काम भी करी सरकार, आज अभी बताया ना मेरे भाई ने भी बताया कि यहाँ पे सिर्फ धान का कटोरा जो था, अभी सिर्फ सट्टे का कारोबार चल रहा है। यहाँ पे महादेव ऐप आज पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। यहाँ के लोग को बेरोजगार युवकों को सट्टे के धंधे में चालू कर दे रहे हैं, नशे के गर्त में लेके जा रहे हैं, काम को बेरोजगार भी दे रहे हैं। अभी जितने भी IPS के IAS के जो पेपर हुए उसमें पूरे अधिकारियों के रिश्तेदारों के सिलेक्शन हुए हैं, कोई आम आदमी का कोई गरीब का बच्चा तो उसका इलेक्शन हुआ नहीं। तो करप्ट में हो गई है सरकार। तो पहले तो ये माना जाता था कि धान का कटोरा है, अभी भी माना जा रहा है कि धान का कटोरा है, धान का कटोरा है, लेकिन ये सरकार तो सिर्फ धंधे दारू पे, शराब पे और क्या बोलते हैं सट्टे पे, इसी पे ही ध्यान दे रही है, वहीं से पैसा कलेक्ट कर रही है। आज इनके यहाँ पे मतलब नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके भाई पे जो है कि कद्दावर नेता है, यहाँ से महापौर भी है, उनके भाई के रूप में 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का नाम सकता है, वो जेल जाते हैं। उनकी मेन मुख्यमंत्री जी की सौम्य चौरसिया जी करीबी, वो आज जेल में है। ये सब करप्ट भी कर रहे हैं ना, इसलिए तो जेल में है। अगर करप्ट भी नहीं करते और छत्तीसगढ़ को बचा के रखते हैं तो आज छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन होता। तो अभी वो गड्ढापुर चाकूपुर कहा जा रहा है। अच्छा, मतलब गड्ढापुर और चाकूपुर से संबोधित किया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ को किस नाम से बोलेंगे लोग? अब छत्तीसगढ़ को तो वही हो गया ना, सिर्फ करप्ट के लिए हम पहले नक्सली के लिए बोलते थे नक्सल के नाम से, कि वहां पे छत्तीसगढ़ नक्सल रहते हैं, वहां जाने से लोग डरते थे। रमन सिंह जी ने काम किया, रोड बनाई, जहाँ पे नक्सली लोग रोड बनाने नहीं देते थे वहाँ रोड बनाई, लोगों के लिए जाने की सुविधा बनाई, आने जाने की, वो सब बंद हो गया, वापस नक्सली सक्रिय हो गए हैं। तो जब हम खेती किसानी की बात करते हैं, ढेर सारी स्कीम सरकार, ढेर सारा बड़ा बड़ा बोनस का ऐलान कर रही है, तो क्या लगता है इस बोनस युवाओं और योजनाओं में कितना फर्क है? बोनस तो अभी सरकार ने चुनाव आया तो बोनस का बढ़ा दिया है, इससे पहले तो बोनस दिया नहीं था। 3 साल तक इन्होंने सिर्फ करप्शन किया है। और रही बात क्या बोलते हैं आप युवाओं की, बोले तो युवाओं को रोजगार मिला कहाँ है? आज युवा तो घूम ही रहे हैं, भटक ही रहे हैं रोजगार के लिए, सिर्फ इन्हीं के अधिकारी और बच्चे को ही रोजगार मिल रहे हैं, उन्हीं लोग चयन हो रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब, जो पहले ये माना जाता है कि धान ही सरकार बनाती है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ सरकार वही बनाएगा जो धान की स्कीम लेके आती है, तो ये बदला है या अभी वहीं का वहीं है? ये अभी वहीं का वहीं है, बल्कि किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहले किसान जो मेहनत करता है और किसान की मेहनत से जो हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में, बहुत से देशों में भी हम यहाँ से धान जाते हैं हमारे यहाँ से, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सरकार ने वादा किया था कि हम शराब बंद करेंगे, सारा गंगा जल लेके कसम खाई थी कि हम शराब बंद करेंगे चुनाव के समय में, लेकिन अभी तक ये शराब बंद नहीं किए हैं, बल्कि ऑनलाइन बिक्री चालू कर दी थी इन्होंने, कोरोना में ऑनलाइन बिक्री करके घर घर शराब पहुंचाई इन्होंने। तो आपके अवसर वाली बात है। हाँ, और उसके बाद में इन्होंने खुद नकली शराब बनाई है, नकली शराब बना के बेचे हैं, इनका एक सिंडिकेट बन के बैठा हुआ है कि ये जो चाहेंगे वो शराब बिकेगी। तो आज की तारीख में अल्पसंख्यक मोर्चा कितना तैयार है? अल्पसंख्यक मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता तैयार है, और जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं भी जुड़े हुए हैं लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, वो भी चाह रहे हैं कि इस बार भाजपा की सरकार आए और ये जो छत्तीसगढ़ का नाम बदनाम हो रहे पूरे विश्व में, वो नाम बदनाम होने से बचे और रायपुर फिर से स्वस्थ और साफ सुंदर रहे और छत्तीसगढ़ के किसान और सब आम जनता भी खुशहाल रहे। ये बड़ी बात है, शायद खुशहाली के लिए हर एक कार्यकर्ता लड़ रहा है। देखेंगे कि हमारे साथ एक और साथी हैं कि कितना खुशहाल है छत्तीसगढ़ आज। कोई खुशहाल नहीं है, युवाओं को ना बेरोजगारी, बेरोजगार के नाम से युवा भटक रहा है, नशाखोरी गली गली नशाखोरी हो गई है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है। तो कितना बढ़ा है नशा इन 5 सालों में, कहाँ पहुंच गया छत्तीसगढ़? बहुत ज्यादा नशेड़ी आज लोग छत्तीसगढ़ के नशेड़ी कहा जाता है लोगों को। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे कारण क्या लगता है? इसके कारण ये है कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ नशे का व्यापार हो रहा है, सट्टे का व्यापार हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ये सब बहुत नुकसान है हम लोगों। तो जब हम बात करें अल्पसंख्यक मोर्चा की, तो आप लोग नशे के खिलाफ या बेरोजगारी के खिलाफ या सट्टा प्रदेश बनते छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए कितना तैयार हैं और कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं? लगातार लड़ाई चल रही है, लगातार अल्पसंख्यक लड़ता आ रहा है,
हमारे खुद के भाई लोग उस नशियों में नशे में रह रहे हैं जिनको रोका जा रहा है बार बार। क्या पहले कभी इस 5 साल से पहले भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस तरीके से चुनाव में सक्रिय दिखता था? बिल्कुल सक्रिय था। 15 साल जो गवर्नमेंट की थी, बीजेपी की गवर्नमेंट में लोग सक्रिय थे। इस तरह का लोगों के ऊपर विचार नहीं आता था जो आज विचार लोग दूसरे लोग कर रहे हैं। इस विचार अब अगर संगठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये जो मोदी जी बड़े बड़े मंच पे बोलते हैं, वो जमीन पर आपको कितना दिख रहा है और कितने आपको लगता है कि इस वादे के साथ हर कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है? इस वर्ष आपको नजर आ जाएगा, इस वर्ष आपको नजर आ जाएगा इसका जो रिजल्ट है वो आने वाले चुनाव के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जहां बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, तो मतलब आपका इशारा सीधा है कि सरकार भाजपा बना रही है? बिल्कुल। तो बड़े बड़े सर्वे तो दिखा रहे हैं 70 पार 80 पार, वो तो सर्वे हर बार बताता है, हर समय ये बताया जाता है सर्वे में, लेकिन सर्वे तो हमेशा उल्टा होता है। ये बड़ी बात है कि सर्वे बदलता है। तो आते हैं ना, क्योंकि सर्वे की अपनी लड़ाई है, तो सर्वे और बाकी सबसे अलग हट करके क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में राज कैसा चल रहा है? मेरा नाम गुलाम फिरोज है, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा से अभी एक प्रेजेंट में सांसद प्रतिनिधि सुनील सोनी जी, माननीय सुनील सोनी जी का, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कमर कस लिया है। इस बार सरकार को बदलना है, हमको इसलिए बदलना है क्योंकि ये वाकई में पूरा नशे का गढ़ बन गया है और ऐसा गढ़ हमने शायद पहली बार देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो नशे की वो इतना तो नहीं होने देता था, वो बहुत ज्यादा हो गया तो कोई गली में एक आध दो दिख गया। आज देखेंगे तो हर गली में आपको कहीं ना कहीं आपको खाली ये नशे में लिप्त मिलेंगे, चाहे वो सिरप में हो, चाहे वो क्या गांजे में हो, चाहे वो दारू में हो, आपको यही देखने मिलेगा। और इस बार अल्पसंख्यक मोर्चा भी चाह रहा है कि हमको इस बार बदलना ही है इसको, क्योंकि क्या है यहाँ पर जो योजना केंद्र की आती है उस योजना को हमको लाभ नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं उसे दबा दिया जाता है। और जब वो चुनाव का जब आता है मौसम, तब हमको बताया जाता है कि हमने ये किया वो किया, लाभ तो नहीं मिल पाता है। जो लाभ फिर वो सीधा चला जाता है केंद्र में, वो लाभ हमारे तक ही आ ही नहीं पाता। तो अब क्या लगता है, जब आप अपने लोगों को नशे की गर्त में जाते हुए देख रहे हैं, बेरोजगारी की तरफ देख रहे हैं, तो क्या अल्पसंख्यक मोर्चा और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस लड़ाई से लड़ रही है कि सत्ता में दमदार वापसी कर सके? नहीं, लड़ाई तो ऐसा नहीं कि नहीं लड़ रही, लड़ाई तो बिल्कुल खुल के लड़ रही है और हर मोर्चे के, चाहे वो भाजपा में चाहे जितने मोर्चे हैं, सब लड़ रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ साथ अन्य मोर्चा भी जो हमारे एकदम कमर बांध लिए हैं कि बोले इस बार छोड़ना नहीं है इनको, चाहे जो हो जाए। तो छोड़ना नहीं है मतलब सत्ता में नहीं वापस आने देना है, कांग्रेस की पार्टी को आने नहीं देना इस बार, आने नहीं देना। हाँ, इनको आने नहीं देना, क्योंकि क्या इनमें जब से आई है वाकई में पूरा अभी तक के जितने भी भाई लोगों ने बोले खाली एक ही बात बोल रहे हैं कि नशे का गढ़ बन गया है। इतना नशा हर चीज में, करप्शन, हर एक परिचय पत्र भी बनाने जाओगे तो इसमें क्या होता था, 25 रुपए लगता था, आज एक आदमी से 300 रुपए ले रहे हैं। मजदूर कार्ड का जिसमें 75 रुपए पीस था उसका 1500 रुपए ले रहे हैं। राशन कार्ड जो मूल रूप से समस्या है लोगों की, उसका क्या है, गवर्नमेंट ने खुद बोली कि हम घर घर देंगे, भूपेश सरकार बोलता है कि हम ऑनलाइन सब कर दिए हैं, और जो ऑनलाइन कर दिए चलो ठीक है, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता के पास जाओ उनको बोलो तो पैसा मांगते हो, तो मतलब भ्रष्टाचार भी ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन हो गया है तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है छत्तीसगढ़ में। आप मजदूर कार्ड बनाइए आपको 1500 रुपए लगेगा। अच्छा चलिए, ये बड़ी बात है। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। जी जी, इससे पहले रमन सिंह की जो सरकार थी उस टाइम पे कोई भी जातिवाद के नाम पे, कोई भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगे फसाद नहीं होते थे। जब से कांग्रेस की सरकार आई है 2 से 3 जगह कवर्धा में, वीरनपुर में हत्या भी हो गई है, मुस्लिम 2 मुस्लिम भी मारे गए हैं, एक हिंदू भाई भी मारा गया है, कवर्धा में भी झंडे के नाम से झगड़े हुए हैं, तो सांप्रदायिक हिंसा भी यहाँ पे बढ़ते जा रही है जो पहले हमारे रमन सिंह की सरकार में नहीं थी। एकदम शांत खुशहाल था हमारा प्रदेश। ये बड़ी बात है, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप, नशा नशे के खिलाफ लड़ाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब अपनी जगह है। हमारे बीच एक ऐसा चेहरा है जो जनता के बीच में एक्टिव रहता है, मिलता रहता है। सबसे पहले इनसे जानेंगे अपना परिचय और क्या लगता है आज चुनावी बयार में कहाँ खड़े हैं आप लोग। मैं मकमूर इकबाल खान, और अभी के जो हालात हैं, जितना हम यहाँ पर पिछले 5 साल में झेले हैं
कांग्रेस के शासन को, कुशासन को, और भ्रष्टाचार में लगातार यहीं से एक इतिहास लिखा गया है। जो आईएएस जितने अभी जेल में हैं, अंदर गए हैं, और ऐसे ऐसे कांड किया इन लोगों ने कि जिसमें इतिहास लिखा गया है किस तरीके से इन लोगों ने भ्रष्टाचार की एक प्रकाष्ठा की है। तो कहने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में भ्रष्टाचार अब पूरी तरीके से दर्ज हो चुका है रिकॉर्ड में। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है कि इसके पीछे ताकत कौन सी है जो इस प्रदेश को धान के कटोरे से अलग हटा करके भ्रष्टाचार वाले कटोरे पे ला रही है? निश्चित रूप से जो मुखिया होता है भूपेश बघेल जो है, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर झूठ बोल करके अपने कांग्रेस को लेकर के आया, हाथ में गंगा जल लिया और गीता कुरान ये सब के सामने रख कर ये कस्में खाई, और उसके बाद में उन लोगों ने जब सत्ता प्राप्त कर ली और जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार का माहौल हुआ हर चीज में, कोल घोटाला हुआ, उसके साथ में शराब में लगातार कार्रवाई हुई, अभी तक के कम 15 लोग ईडी ने जो उनको गिरफ्त में लिया हुआ है वो है, और हम जितना देख रहे हैं कि महादेव ऐप में भी उनके समीप के जितने लोग हैं उनकी संलिप्तता दिखाई दे रही है। तो कैसा लगता है जब आप खबर पढ़ते हैं कि इतने ज्यादा छापे, इतना ज्यादा घोटाला और ऐप में, सट्टे में, नशे में प्रदेश जा रहा है, तो लगता है कहीं कि छत्तीसगढ़ का युवा भटक रहा है या भटकाया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ में तो पूरा खिलवाड़ हुआ। आपने देखा होगा कि पीएससी में जो रिजल्ट आए हैं, तो पीएससी में किस तरीके से धांधली हुई है कि एक ही परिवार के चार चार लोग हो रहे हैं, और जो वहां का अध्यक्ष है उसके यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, और जब लिस्ट निकल रही है तो उसमें नाम के साथ में सरनेम नहीं है। तो इतनी बड़ी आप देखिए धांधली कि क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा है, सब चीजों को खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, सबसे बड़ा युवाओं के साथ ही तो खिलवाड़ हुआ है ना। ये जो तीन तीन साल पांच पांच साल मेहनत करते हैं कि पीएससी में हम निकलें और एक हमारी स्थिति अच्छी बने, हम नौकरी पाए, तो वो बेचारे अपने घर पे रह गए हैं, और जो उस लायक ही नहीं है, जीरो जिनका आकलन आता है उनको वहां पर नौकरी मिल रही है। तो अब क्या लग रहा है, इतने ज्यादा अनदेखेपन का शिकार छत्तीसगढ़ का युवा किधर जाएगा? आप देखिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा, महिलाएं और जितने लोग हैं यहाँ पर इस चीज को पहचान गए हैं कि कांग्रेस शासन में हमारे साथ में क्या खिलवाड़ हुआ है। तो अभी जो हमको समझ में आ रहा है कि निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो अल्पसंख्यक मोर्चा की बात करें, जैसे मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर इकबाल गोरी जमीन पर लड़ रहे हैं, आप लोग हैं, तो आप लोग किस तरीके से छत्तीसगढ़ में बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए अल्पसंख्यक मोर्चा तो अपना काम कर रहा है। अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अपने आप को सुरक्षित हम महसूस करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम लोग रहते हैं, और यहाँ से पूरी चीजें जो है पूरे प्रदेश में जाती है, प्रदेश से देश में जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर यहाँ का माहौल है और किस तरीके से सारे लोग सुरक्षित हैं। तो इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चे में जितने भी लोग आते हैं तो वो सभी लोग ये चाहते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो पहले जब सरकार की बात होती थी तब चेहरे की बात होती थी, आजकल जो बातचीत चल रही है, एक नया नारा भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है कि हमारा निशान कमल है, हमारा प्रत्याशी कमल है। तो जब आप इस नारे के साथ जा रहे हैं तो क्या लग रहा है? देखिए निश्चित रूप से अभी की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से ही चलती है। वो आप इतना देखे होंगे कि कांग्रेस में जब भी इस तरीके का सीटों का आवंटन होता है या कोई भी स्थिति होती है, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, अगर उनके चाहने वालों को टिकट नहीं मिली तो वो किस तरीके से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अभी आपने कल का देखा होगा कि किसी ने आग में मिट्टी टेल डाल लिया, पर इसका हमारे यहाँ पे इतना अनुशासन है कि ठीक है भाई, चार लोग पांच लोग सबका अधिकार है, एक सामान्य कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो जा करके टिकट की मांग करे, क्योंकि
आदमी वही सोचता है, कार्यकर्ता वही सोचता है जो राजनीतिक परिकल्पना करता है कि उसको एक ऐसा पद मिले, तो यदि नहीं मिलता है तो उसके पश्चात में शुरू से लेकर आखिर तक में सिर्फ कमल के फूल पे ही हर कार्यकर्ता काम करता है। फिर टिकट किसी को भी मिल जाए, हमको कार्य उसी के लिए करना, ये बड़ी बात है। क्या लगता है जब आप अपने दिल पे हाथ रखते हैं कि पिछली बार जब आप सत्ता से दूर हटे जी, तो वहाँ एक बतौर कार्यकर्ता के रूप में ऐसी क्या कमी थी, चाहे वो केंद्र ने अनदेखी की हो, चाहे राज्य के आपके पार्टी के लोगों ने अनदेखी की हो, जो एक कार्यकर्ता है उस कार्यकर्ता की वो टीस क्या थी जिसकी वजह से सरकार चली गई थी, क्या वो टीस दूर हुई है? निश्चित रूप से देखिए, ये एक संभावना बोल सकते हैं, पर कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा परिश्रम किया था, पर पूरी जनता कार्यकर्ता को मैं बिल्कुल आरोप नहीं देता, ना ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, ना ही प्रदेश के जो हमारे नेतृत्व करता है, हम उनको भी आरोप नहीं लगाते। यहाँ पर पूरा जो खेल हुआ है कांग्रेस के भूपेश बघेल के झूठे वादे के कारण हुआ है। उन्होंने जो वादा किया था, लोगों को लुभावने सपने दिखाए थे, वहां पर वो खरे नहीं बैठे। उन लोगों ने ऐसा लालच दिया कि हम आपके लिए चांद तारा तोड़ करके जमीन में ला देंगे, पर वो तो हुआ नहीं। जो चीजें थी, रायपुर पूरा गड्ढे के साथ में हो गया है, पूरा आप जिस रोड में निकल जाएं आपको पूरा रायपुर छत्तीसगढ़ में गड्ढा गड्ढा ही मिलेगा, कहीं पे विकास का काम नहीं हुआ है। एक वो विकास का कार्य बता दे, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 36 वादे किए थे, 6 वादे दिखा दे हमको कि उन्होंने वो 6 वादे पूरे किए हैं क्या। हर वादे के पीछे में उन्होंने झूठ का ही प्रचार किया और इस तरीके से सत्ता को प्राप्त किया। अब जनता ही उनको ये सबक सिखाएगी। कार्यकर्ता पहले भी कार्य कर रहे थे और अभी भी करेंगे, और इसका 3 दिसंबर को आपको जरूर रिजल्ट दिखाई देगा। ये बड़ी बात है, गड्ढे और सट्टे के खेल में फंसता हुआ छत्तीसगढ़ राजनीतिक चुनाव के अपने दांव पेच से निकलते हुए कार्यकर्ता और ऐसे अल्पसंख्यक मोर्चा के सहारे भारतीय जनता पार्टी को कैसे आगे बढ़ाएगा, यह आने वाले समय में चुनावी दिन पर दिखेगा। लेकिन जब कार्यकर्ता लड़ता है उसके मन का दर्द भी लड़ता है, या तो व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है या अपने लोगों के लिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ता है। छत्तीसगढ़ की आवाम, खासकर या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसके लिए लड़ेंगे। यह आने वाले वक्त में जीत हार के गुड़ा गणित में सबको साफ दिखेगा, बिल्कुल पानी की तरह। या तो इनकी लड़ाई अच्छी होगी या इनकी लड़ाई में कोई कमी होगी, लेकिन उसका परिणाम, उसकी गुड़ा गणित और उसका रिजल्ट जो भी आकलन होगा, तो चुनाव के समय रिजल्ट के साथ देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज़ आपके लिए।